नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। बिहटा एसिक हॉस्पिटल में अब खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यह खबर उनके लिए है। अगले साल यानी कि 2022 से एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेडिकल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए यह बड़ी खबर है। राजधानी पटना के बिहटा ESIC हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से यह मांग की गई थी, जिस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र से MBBS की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद दिया है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। और तलब है कि इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की मांग लंबे समय से राज्य सरकार कर रही थी। इस मामले पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब 2022 से यहां MBBS के 100 सीटों के लिए एडमिशन लिया जाएगा। बिहार में नवनियुक्त 49,000 शिक्षकों में 632 फर्जी निकले, कई और के पकड़े जाने की उम्मीद, नियोजन करने वालों पर भी शक। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में अब तक लगभग 49,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति किए गए शिक्षकों की जांच पड़ताल में पाया गया है कि 632 शिक्षक फर्जी हैं। उन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी ले ली है। ये तादाद तब है जब अब तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों की जांच नहीं हुई है। सरकार को कई और फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने की उम्मीद है, वहीं उन्हें नियुक्त करने वाले नियोजन इकाई पर भी शक के दायरे में है। दरअसल राज्य सरकार ने निर्देश दे रखा है कि नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि शिक्षा विभाग उनकी जाँच पड़ताल करा सके। राज्य भर की नियोजन इकाइयों ने अब तक कुल चयनित 49,348 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया है। शिक्षा विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि उनमें से 632 ने फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी हासिल की है। अब सरकार उन्हें नौकरी देने के बजाय जेल भेजने की तैयारी में है। ऐसे तमाम फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी लेने वालों में सबसे ज्यादा लोग बक्सर में पकड़े गए हैं। बक्सर में 121 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। जिला प्रशासन की बाढ़ रिपोर्ट पर बोले विधायक, घर बैठकर तैयार की गई है रिपोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री ने दोबारा रिपोर्ट बनाने का दिया निर्देश। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ की गलत रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की गई है, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिले के विधायकों का कहना है। JDU विधायक पंकज मिश्रा और RJD विधायक मुकेश यादव ने ये बातें कही है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट को लेकर इन विधायकों ने हंगामा भी किया है। यह हंगामा सीतामढ़ी समाहरणालय में आयोजित जिले के प्रभारी मंत्री जमा खान की अध्यक्षता में हो रही बैठक में हुआ है। बैठक के दौरान ही विधायकों ने रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर अपना रोष प्रकट किया विधायकों ने। हंगामे को देखते हुए प्रभारी मंत्री जमा खान ने जिला प्रशासन को दोबारा रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया है। उन्नीस सैदपुर के JDU विधायक पंकज मिश्रा ने कहा है कि यदि यह रिपोर्ट फिर से नहीं बनाई गई तो वे आंदोलन करेंगे। पंकज मिश्रा ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले पदाधिकारियों से बस यही कहना चाहते हैं कि धरातल पर जाकर पूरी जांच करें। मेरे विधानसभा में 38 पंचायत हैं और सभी में बाढ़ की स्थिति थी। बाढ़ में इलाके से लोगों को भारी क्षति हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 30% फसल भी खेत में नहीं बचे हैं। 70% जमीन खाली पड़े हैं जिस पर किसी तरह की फसलें नहीं दिखेगी। पंचायत चुनाव के जरिए परिषद की सीटें साधने की तैयारी, राजनीतिक दलों की नज़र 24 विधान परिषद सीटों पर। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सभी राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इसमें बनी हुई है। खासतौर पर ऐसे नेता जो स्थानीय निकाय कोटे से जीतकर विधान परिषद पहुंचते हैं, वह पंचायत चुनाव में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल यह मामला 24 विधान परिषद सीटों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद पहुंचने वाले 24 चेहरों के लिए यह जरूरी है कि वह पंचायत प्रतिनिधियों के
के ऊपर अपनी पकड़ रखे। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अंदर ही अंदर अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत की प्लानिंग में जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव होने के बाद विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना तय है। हालांकि पंचायत चुनाव टालने की वजह से स्थानीय निकाय कोटे से आने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अब तक उनकी चुनावी प्रक्रिया नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के जो सदस्य जीतकर सदन में पहुंचते हैं उनके वोट पंचायती राज के प्रतिनिधि ही होते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव पर राजनीतिक दलों और नेताओं की नजर होना स्वाभाविक है। भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के रातों रात करोड़पति बन गए बिहार के दो स्कूली छात्र। दोनों बच्चों के बैंक अकाउंट में आए 96 करोड़ रुपए। बिहार में लोगों के बैंक खातों में अचानक पैसे आने का सिलसिला जारी है। पहले खगड़िया में एक युवक के खाते में 5.5 लाख रुपए आए और अब कटिहार जिले में दो छात्रों के खाते में 96 करोड़ रुपए आ गए हैं। इतनी बड़ी धनराशि अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक अधिकारी भी हैरान हो गए हैं। जब दूसरे लोगों को पता चला तो उन्होंने भी अपने अकाउंट चेक करने शुरू कर दिए। इसके चलते बैंक में लोगों की लाइन लग गई। दरअसल यह घटना कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र की है। यहां बघोरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव में दो स्कूली बच्चों के बैंक खाते में 96 करोड़ रुपए आ गए। दरअसल उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में खाताधारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6,20,11,100 और गुरुचरण विश्वास के खाते में 90,52,21,223 रुपए अचानक आ गए। इस संबंध में शाखा प्रबंधक मनोज गुप्ता ने कहा है कि दोनों बच्चों के खाते में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। बिहार में बड़ा हादसा, बरौनी रिफाइनरी में वेसल ब्लास्ट, धमाके की चपेट में आए दर्जन भर कर्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आ रही है। बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रिफाइनरी में वेसल ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके की चपेट में दर्जन भर कर्मी आ गए हैं, जिसके बाद इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आनंद फानन में इन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी में इस बड़े हादसे में लगभग 12 से 15 कर्मी जख्मी हुए हैं। हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। धमाके के बाद रिफाइनरी में राहत और बचाव का काम शुरू है। रिफाइनरी के ईडी शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि घायलों को रिफाइनरी के अस्पताल समेत पास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। NIT पटना में अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कोर्स को लेकर तैयारी शुरू। NIT पटना हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही यह देश का पहला संस्थान होगा जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हिंदी भाषा में पढ़ने का विकल्प मिलेगा। NIT पटना के निदेशक प्रोफेसर PK जैन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को सत्र 2021-22 से हिंदी सहित 8 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री देने की अनुमति दी है। NIT पटना के प्रोफेसर PK जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किए जाने का प्रावधान है। इसको ध्यान में रखते हुए NIT पटना में BTech फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू हो रही है। यह नए सत्र 2021-22 से ही शुरू हो जाएगा। यह ऑप्शनल रहेगा। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने पर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई निर्भर करेगी। प्रोफेसर जैन ने बताया है कि नई शिक्षा नीति के प्लान करने के लिए NIT पटना पूरी तरह से तैयार है। नए कोर्स व नए पाठ्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं। अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 को मंजूरी दे दी है। हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि ब्रिजिंग ट्रायल होता क्या है। दरअसल कोई दवा या टीका अगर दूसरे देश के निवासियों पर सफल साबित हो चुका है, तब ये भी देखा जाता है कि हमारे देश की परिस्थितियों में लोगों पर वह किस हद तक कारगर होगा। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। 1 महीने में ये प्रक्रिया
प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार की संस्था ट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली रूस की कंपनी के भारत में पार्टनर्स हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। फेज 3 का ट्रायल ही विंजिंग ट्रायल होता है। इससे पहले रेड्डीज लेबोरेटरी ने स्पुतनिक लाइट से संबंधित दूसरी सारी जानकारी यानी कि सेफ्टी, इम्यूनोजेनेसिटी और एफिकेसी डाटा जमा किया था। सारे कागजातों को मिलाने के बाद कंपनी को इसकी इजाजत दी गई है कि वह इसका ट्रायल करे कि भारत में ये कितना असरदार होगी। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। बिहार में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति भी रुकी पड़ी है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मध्य अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों को 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने फैसले पर दोबारा सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि राज्यों को यह निर्णय करना है कि वह कैसे इसे लागू करेंगे। विभिन्न राज्यों में प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण देने में आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई के 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को निर्देश दिया है कि वे अब उन मुद्दे की पहचान करें जो उनके लिए अनूठे हैं और 2 सप्ताह में ऐसे मामलों की जानकारी दें। इनके साथ ही मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह नागराज और जनरल सिंह मामले को फिर से नहीं खोलेगा। मालूम हो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी एसटी की प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। चुनाव किसी भी तरह के हो, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्यभर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है तो तरीका ऐसा हो कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि 1.5 साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह चुनाव की वजह से न रुक जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।